Hello students, how are you? Today I will teach you a story, the story behind the camel's hump. So let's start. Children, I hope you all will take great interest in this story. Okay, let's start. चलिए आज हम पढ़ेंगे कैमल की स्टोरी, कैमल्स हम। बच्चों, आपने कोई एनिमल ऐसा देखा है कि जिसकी पीठ पर कुछ उभरा हुआ सा होता है, लाइक दिस, लाइक अ कैमल। ये होता है हम, कैमल्स हम, कुबड़ा, जिसकी पीठ उभरी हुई होती है गर्दन के पीछे से, उसे कहते हैं हम। तो इस स्टोरी में हम आज कैमल्स हम, द स्टोरी बिहाइंड द कैमल्स हम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो यू आर रेडी फॉर योर शार्पिंग पेंसिल, ओके? शार्प योर पेंसिल ऑल ऑफ यू एंड राइट द वर्ड मीनिंग इन योर बुक विद योर पेंसिल, ओके? एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल ऑफ यू। आर यू रेडी? यस बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी रीड करना। आई होप, आई नो दैट यू ऑल आर, यू विल टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी। आप सभी मन लगाकर ये स्टोरी सुनेंगे और लर्न भी करेंगे, और इससे लर्न होके क्या होगा, आप क्वेश्चन आंसर बिना लर्न करे भी मुझे सुना सकेंगे और अपने पेरेंट्स को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, और आप सभी मुझे फॉलो करेंगे। जैसे जैसे मैं रीड करूंगी वैसे वैसे आप सभी भी मेरे पीछे पीछे रीडिंग करते जाएंगे, ओके? फॉलो मी, लेट्स स्टार्ट। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, ऑल द एनिमल्स हैड टू वर्क फॉर मैन। डॉग फेस्ड फूड फॉर मैन, ऑक्स प्लॉड फील्ड्स, हॉर्स कैरीड मैन ऑन हिज बैक, एलिफेंट कैरीड गुड्स, बट कैमल, ही वॉज सो लेजी, ही ऑलवेज लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। बिसाइड्स ही वॉज अ हॉलर हिमसेल्फ, सो ही एट स्टिक एंड थॉर्न्स एंड टमर्स, मिल्क वीड्स एंड पिकल्स व्हेनेवर अदर एनिमल्स कम एंड अर्ज्ड हिम। चलिए पहले इतना ही समझा देते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, When the world was new, जब ये वर्ल्ड न्यू था, बहुत पुरानी बात है, जब ये संसार बना था तब की बात है स्टोरी में। All the animals had to work for man, सभी एनिमल्स कार्य करते थे मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए सारे एनिमल्स वर्क करते थे। Dog fetched वुड फॉर मैन, फेस्ड मीन्स जाकर लाना या लाना। डॉग फेस्ड वुड फॉर मैन, डॉग मनुष्य के लिए, इंसान के लिए लकड़ी लाता था। ऑक्स प्लॉड द फील्ड, और ऑक्स क्या करता था, खेत जोतता था। हॉर्स कैरीड मैन ऑन हिज बैक, एंड हॉर्स मनुष्य को अपनी पीठ पर लेकर जाता था। आपने देखा होगा ना, आज भी हॉर्स की बैक पर राइडिंग करते हैं लोग। एलिफेंट कैरी गुड्स, और एलिफेंट अपनी पीठ पर सामान ढोता था। आपने देखा भी होगा एलिफेंट की पीठ पर बड़े बड़े डंडे, बड़े बड़े लट लेकर जाए जाते हैं। बट कैमल, लेकिन बात करें अगर कैमल की, ही वो सो लेजी, वह बहुत लेजी था, आलसी था। ही ऑलवेज लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, वह हमेशा रहता था मिडल में, डिजर्ट के, रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि वह
किसी भी प्रकार का वर्क करना नहीं चाहता था, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था, इसीलिए वह लेजी था। बिसाइड्स ही वॉज अ हॉलर, हॉलर मीन्स गरजने वाला, हिमसेल्फ स्वयं खुद ही, वह खुद ही गरजने वाला था, खुद ही गरजता रहता था कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, पर करता वो कुछ नहीं था। एंड सो ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न एंड टैमरिस्क, अब वह क्या करता था, थॉर्न स्टिक्स टैमरिस्क ये सब खाता था वो, एंड मिल्क वीट, और वीट्स मीन्स खरपतवार, मिल्क वीट्स, एंड प्रिकल्स कांटे खाता था वो। व्हेनेवर अदर एनिमल्स कम एंड अर्थ, और जब भी कोई दूसरे एनिमल्स उसके पास आते, उसके आसपास आते और उसे रिक्वेस्ट करती थी कि भाई हमारी हेल्प करा दो, हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क है, हमारी मदद करा दो, तब वे क्या कहता था, नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्यों कराऊंगा, वह नहीं कराता था। ओके, आज हिम टू कम एंड वर्क अलोंग विद देम, कोई भी अगर उसके पास आता था और उससे कहता था कि हमारे साथ कार्य करा दो, हमारी हेल्प करा दो वर्क करने में, मैं अकेला कर रहा हूँ, देन ही ऑलवेज सेज, तो वह हमेशा क्या कहता, हम जस्ट हम, मैं कैसा हूँ, हम हूँ, बस मैं हम हूँ इसलिए वर्क नहीं कर सकता हूँ, हम मिस कुबड़ा, मैं कुबड़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वर्क नहीं करेगा, नहीं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर कोई वर्क कर सकता है ना। वन डे द हॉर्स केम टू कैमल एंड सैड, एक दिन एक कैमल के पास हॉर्स आया और उसने कहा, आई एम टायर्ड कि फ्रेंड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऑफ कैरिंग मैन ऑन माई बैक एवरी टाइम, मैं हमेशा आदमी को अपनी बैग पर लेकर जाता हूँ, इसीलिए मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, यू प्लीज कम एंड शेयर सम बर्डन एंड हेल्प मैन टू, सो आपको आज मेरी हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए और मेरा थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा बोझ कम कर देना चाहिए, अगर आप मेरा वर्क ले लेंगे तो थोड़ा सा मेरा बर्डन कम हो जाएगा और मनुष्य की हेल्प हो जाएगी, इंसान की हेल्प हो जाएगी। हम सैड, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, टुडे आई विल टीच यू अ स्टोरी, द स्टोरी बिहाइंड द कैनवास हम, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल विल टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी, ओके लेट्स स्टार्ट, चलिए आज हम पढ़ेंगे कैमल की स्टोरी, कैमल हम। बच्चों, आपने कोई एनिमल ऐसा देखा है कि जिसकी पीठ पर कुछ उभरा हुआ सा होता है, लाइक दिस, लाइक अ कैमल, ये होता है हम, कैमल्स हम, कुबड़ा जिसकी पीठ उभरी हुई होती है गर्दन के पीछे से, उसे कहते हैं हम। तो इस स्टोरी में हम आज कैमल्स हम, द स्टोरी बिहाइंड द कैमल्स हम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, सो यू आर रेडी फॉर योर शार्पिंग पेंसिल, ओके, शार्प योर पेंसिल ऑल ऑफ यू एंड राइट द वर्ड मीनिंग इन योर बुक विद योर पेंसिल, ओके, एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी, यस बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी रीड करना। आई होप आई नो दैट यू ऑल आर, यू विल टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी, आप सभी मन लगाकर ये स्टोरी सुनेंगे और लर्न भी करेंगे, और इससे लर्न होके क्या होगा, आप क्वेश्चन आंसर बिना लर्न करे भी मुझे सुना सकेंगे और अपने पेरेंट्स को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, और आप सभी मुझे फॉलो करेंगे, जैसे जैसे मैं रीड करूंगी वैसे वैसे आप सभी भी मेरे पीछे पीछे रीडिंग करते जाएंगे, ओके, फॉलो मी, लेट्स स्टार्ट। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, ऑल द एनिमल्स हैड टू वर्क फॉर मैन,
डॉग फेस्ट फुट फॉर मैन ऑक्स प्लॉड फेल्ट्स हॉर्स कैरीड मैन ऑन हिज बैक एलिफेंट कैरीड गुड्स बट कैमल ही वॉज सो लेजी ही ऑलवेज लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क Besides, he was a hauler himself. So he ate sticks and thorns and tamarisk, milk weeds and pickles whenever other animals come and urged him. चलिए पहले इतना ही समझा देते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं. इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू जब ये वर्ल्ड न्यू था, बहुत पुरानी बात है, जब ये संसार बना था तब की बात है. इस स्टोरी में ऑल द एनिमल्स हैड टू वर्क फॉर मैन, सभी एनिमल्स कार्य करते थे मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए सारे एनिमल्स वर्क करते थे. डॉग फेस्ट वुड फॉर मैन, फेस्ट मीन्स जाकर लाना या लाना. डॉग फेस्ट वुड फॉर मैन, डॉग मनुष्य के लिए इंसान के लिए लकड़ी लाता था. ऑक्स प्लॉट द फील्ड, और ऑक्स क्या करता था, खेत जोतता था. हॉर्स कैरीड मैन ऑन हिज बैक, एंड हॉर्स मनुष्य को अपनी पीठ पर लेकर जाता था. आपने देखा होगा ना, आज भी हॉर्स की बैक पर राइडिंग करते हैं लोग. एलिफेंट कैरी गुड्स, और एलिफेंट अपनी पीठ पर सामान ढोता था. आपने देखा भी होगा एलिफेंट की पीठ पर बड़े बड़े डंडे, बड़े बड़े लट लेकर जाए जाते हैं. बट कैमल, लेकिन बात करें अगर कैमल की, ही वो सो लेजी, वह बहुत लेजी था, आलसी था. ही ऑलवेज लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, वह हमेशा रहता था मिडल में, डिजर्ट के, रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि वह किसी भी प्रकार का वर्क करना नहीं चाहता था, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था, इसीलिए वह लेजी था. बिसाइड्स ही वॉज अ हॉलर, हॉलर मीन्स गरजने वाला, हिमसेल्फ स्वयं खुद ही, वह खुद ही गरजने वाला था, खुद ही गरजता रहता था कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, पर करता वो कुछ नहीं था. एंड सो ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न एंड टमेरिस्क, अब वे क्या करता था, थॉर्न स्टिक्स टमेरिस्क ये सब खाता था वो. एंड मिल्क वीट, और वीट्स मीन्स खरपतवार, मिल्क वीट्स. एंड प्रिकल्स कांटे खाता था वो. व्हेनेवर अदर एनिमल्स कम एंड अर्थ, और जब भी कोई दूसरे एनिमल्स उसके पास आते, उसके आसपास आते और उसे रिक्वेस्ट करती थी कि भाई हमारी हेल्प करा दो, हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क है, हमारी मदद करा दो, तब वे क्या कहता था, नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्यों कराऊंगा, वह नहीं कराता था. ओके, आज हिम टू कम एंड वर्क अलोंग विद देम, कोई भी अगर उसके पास आता था और उससे कहता था कि हमारे साथ कार्य करा दो, हमारी हेल्प करा दो वर्क करने में, मैं अकेला कर रहा हूँ, देन ही ऑलवेज सेज, तो वह हमेशा क्या कहता, हम जस्ट हम, मैं कैसा हूँ, हम हूँ, बस मैं हम हूँ, इसलिए वर्क नहीं कर सकता हूँ. हम मीन्स कुबड़ा, मैं कुबड़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वर्क नहीं करेगा, नहीं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर कोई वर्क कर सकता है ना. वन डे द हॉर्स केम टू कैमल एंड सैड, एक दिन एक कैमल के पास हॉर्स आया
और उसने कहा आई एम टायर्ड कि फ्रेंड मैं बहुत थका हुआ हूँ ऑफ कैरिंग मैन ऑन माई बैक एवरी टाइम, मैं हमेशा आदमी को अपनी बैग पर लेकर जाता हूँ इसीलिए मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। यू प्लीज कम एंड शेयर सम बर्डन एंड हेल्प मैन टू, सो आपको आज मेरी हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए और मेरा थोड़ा सा बर्डन थोड़ा सा बोझ कम कर देना चाहिए। अगर आप मेरा वर्क ले लेंगे तो थोड़ा सा मेरा बर्डन कम हो जाएगा और मनुष्य की हेल्प हो जाएगी, इंसान की हेल्प हो जाएगी। हम सेड द कैमल द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन। अब कैमल ने फिर उसे अपने आप को हम्प बताया कि वह हम्प है और वह वर्क नहीं कर सकता है। हम्प सेड द कैमल द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन। कैमल ने अपने आप को फिर कुबड़ा बताया कि वह वर्क नहीं कर सकता है। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन। अब हॉर्स चला गया और उसने आदमी को मैन को बताया। द नेक्स्ट डे द एंग्री डॉग वेंट टू कैमल। अब नेक्स्ट डे एंग्री डॉग गुस्से में एक डॉग आया एंड वह कैमल के पास गया एंड ट्राइड टू गेट हिम टू वर्क। और उसने कोशिश की कैमल को वर्क बताने की। बट कैमल जस्ट सेड, लेकिन कैमल ने कहा फिर भी वही कहा हम कि वह हम्प है। द डॉग वेंट एंग्रीली एंड टोल्ड दिस टू मैन। अब डॉग गुस्से में चला गया और उसने भी जाकर मैन से यही बताया कि कैमल ने अपने आप को हम बताया है। द नेक्स्ट डे द ऑक्स वेंट टू कैमल एंड टोल्ड हिम टू प्लो लाइक हिम। अब नेक्स्ट डे अगले दिन ऑक्स आता है कैमल के पास में, अपना वर्क बताता है कि मेरे पास बहुत वर्क है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी मेरी हेल्प करा दो, खेत जोत दो थोड़ा सा। द ऑक्स वेंट टू द कैमल ट्राइड टू मेक कैमल द ऑक्स वेंट टू द कैमल एंड टोल्ड हिम टू प्लो लाइक हिम। अपनी तरह की जैसे मैंने खेत जोता है वैसे ही आप भी खेत जोत दो। ही स्कॉल्डेड एंड कैजॉल्ड एंड ट्राइड टू मेक कैमल वर्क। उसने ही स्कॉल्डेड उसने डांटा उसे एंड कैजॉल्ड और झूठ बोला एंड ट्राइड टू मेक कैमल वर्क। अब ऑक्स ने उसे डांटा और उससे झूठ भी बोला कि मैं थका हुआ हूँ इस तरह से कुछ भी कि तुम वर्क कर दो मेरा एंड ट्राई टू मेक कैमल वर्क। और उसने कोशिश की कि वह कुछ वर्क कैमल से करवा ले। बट ही ऑल्सो गॉट द सेम रिप्लाई। लेकिन उसने हमेशा की तरह एक ही जवाब दिया। क्या क्या कहता है वो हमेशा? दैट ही इज हम दैट ही कैन नॉट डू एनी वर्क लाइक अदर्स। जैसे उसने औरों से कहा वैसे ही उसने जस्ट लाइक ऑक्स से भी कहा जस्ट हम। ऑक्स ऑल्सो वेंट अवे एंड टोल्ड एवरीथिंग टू मैन। अब ऑक्स भी गुस्से में वहां से एंग्रीली चला गया और उसने सारी बातें किससे बताई? मैन से बताई कि किस तरह का बिहेवियर कैमल करता है, बिल्कुल लेजी है और कुछ भी वर्क नहीं करता है, किसी की भी कोई भी हेल्प भी नहीं करता है। द नेक्स्ट डे अब अगले दिन देखिए क्या होता है। द मैन कॉल्ड हॉर्स। मैन ने हॉर्स को बुलाया डॉग एंड ऑक्स एंड टोल्ड देम दैट दे वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब मैंने किस किस को बुलाया? डॉग को बुलाया, हॉर्स को बुलाया, ऑक्स को बुलाया और उन्हें बताया कि अब उन्हें डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा इस वर्क को पूरा करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हॉर्स हैड टू कैरी मैन अ लॉन्ग वे। अब हॉर्स को
मैं इनको बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा। हॉर्स हैड टू कैरी मैन अ लॉन्ग वे, डॉग हैड टू फैच इवन मोर वुड एंड ऑक्स हैड टू प्लो द फील्ड, बिग फील्ड। अब इनका और बढ़ा देता है मैन कि ऑक्स को और भी ज्यादा खेत जोतना पड़ेगा, बहुत सारा खेत जोतना पड़ेगा। ऑक्स को बहुत ज्यादा खेत जोतना पड़ेगा, हॉर्स को क्या करना पड़ेगा और भी ज्यादा लंबी दूरी तक, बहुत दूर तक मैन को लेकर जाना पड़ेगा। एंड डॉग को, डॉग है टू फैच इवन मोर वुड, और डॉग को और भी ज्यादा वुड लेकर आनी पड़ेगी। अब तो बहुत ज्यादा वर्क आ गया उन पर, तीनों पर। ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू कॉल द मैजिकल जेन। अब सभी बहुत परेशान हो गए हैं और उन सभी ने क्या डिसाइड किया कि अब वो अपने लिए किसी भगवान के दूत को या जिन को बुलाएंगे, जिससे वो अपना वर्क कराएंगे, जिससे वो हेल्प लेंगे। ऑफ द डिजर्ट, जिन ऑफ द डिजर्ट। जिन क्या होता है, आपने सुना होगा ना, एक जादुई वर्क करने वाला, हेल्प करने वाला, एक जादुई, जादू का नहीं, जादू से वर्क करने वाला डिजर्ट में, उसे उन्होंने जिन कहा। हु कुड डू एनीथिंग, जो हर कार्य उनके लिए कर सके। ओके बेटा, सो बच्चों, सो जिन केम रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट विद अ बिग बैंग। अब क्या था, जब उन्होंने जिन को बुलाया, डिजर्ट के जिन को बुलाया, तो जिन आता है कैसे, धमाके करते हुए, डस्ट की क्लाउड उड़ाते हुए और लुढ़कते हुए आता है। द एंग्री एंड टायर्ड एनिमल्स टोल्ड हिम देयर प्रॉब्लम्स विद द कैमल। अब सारे एनिमल्स, जो डॉग था, हॉर्स, ऑक्स, इन सब ने अपनी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स जिनके सामने रखी, जिनको बताई कि हम क्या करें, हमारे सामने ये समस्या है। जिन एग्रीड दैट कैमल्स सेल्फिश एटीट्यूड इज नॉट गुड। अब जिन ने ये मान लिया कि कैमल का ये सेल्फिश एटीट्यूड, ये सेल्फिश मीन्स अपने बारे में सोचना, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, नॉट गुड, ही प्रॉमिस द एनिमल्स टू डू समथिंग फॉर देम। अब वह उनके साथ हो गया और उसने उनसे प्रॉमिस किया कि वह उनके लिए कुछ जरूर करेगा और कैमल को सबक जरूर सिखाएगा। ओके बेटा, चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।